क्लिक कर दूंगा। जैसे ये प्रिपेयरिंग चलेगा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे लिखेगा आज के टाइम पे बूटलोडर को अनलॉक करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि बस दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ चुकी है आज के टाइम में। परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है, परमिशन में बार बार कोटा रीच का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से आप अपने डिवाइस का बूटलोडर इजीली अनलॉक कर पाओगे। बट ये भी हर किसी के लिए काम करेगा या नहीं ये तो आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि वर्किंग है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस कैसे क्या काम करता है। यहाँ पे मैंने एक बहुत पुराना फ़ोन उठाया है जिसका बूटलोडर मेरा लॉग रहे, बाकी जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे F6X और F5 F4 वगैरह नोट 10 प्रो वगैरह, उन सभी का बूटलोडर मेरा ऑलरेडी अनलॉक है जिसका मैं वीडियो देता रहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ जिसे आपको फॉलो करना है और ये आपके लिए काम कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना। नहीं काम करता है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखे हैं जिससे डेली के डेली बहुत सारे लोगों के बूटलोडर अनलॉक वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आप वहाँ ज्वाइन होकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये ट्राई कर लेना, और ये मेथड आपका है जो ओल्डर MIUI पे काम कर जाएगा और HyperOS 1 पे भी काम करेगा। HyperOS 2 पे शायद ये काम ना करे लेकिन बाकी डिवाइसेज पे काम कर रहा है पुराने पे। सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लॉक है या अनलॉक। तो मैं आ गया अपने MIUI वर्जन पे, आपका हाइपर हो तो उस पर टाइप करना इस तरीके से 6 से 7 टाइम, आपका डेवलपर का सेटिंग ऑन हो जाएगा। अब बैक की ओर चले जाना और देख लेना कि आपका जो क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक सेटिंग जो कि हमारा OEM अनलॉकिंग, ये पहले से आपका ऑफ रहता है तो आपको इसे ऑन कर लेना। जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करोगे आपको अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आना है, आपको दिखाई देगा USB डिबगिंग, इसे भी ऑन कर लेना। और ऑन करते समय कुछ इस तरीके से आपको वेटिंग आएगा 5 सेकंड का, उसे कंप्लीट करने के बाद एक्सेप्ट करके इसे भी ऑन कर लेना। क्योंकि जब आप मी अनलॉक टूल पे अनलॉकिंग के लिए लॉगिन करोगे ना तो इन दोनों का ऑन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन जब टूल पे जाओगे तब जरूरत पड़ेगा, लेकिन पहले ही अनलॉक कर लो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे दिखाई देगा मी अनलॉक स्टेटस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये है जो लॉक्ड शो कर रहा है। अब रही बात कैसे ये काम करेगा जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए सिंपल आपको आना पड़ेगा PC पे। आप देख सकते हो एक फाइल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ जो कि हाइपर एक्सप्लोइट विंडो है, ये आपका मैक और लिनक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसे आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे जो कॉपी कर लेना कुछ इस तरीके से या कट कर लेना और एक फोल्डर के अंदर चले जाना जहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म टूल को रख रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रन ही नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम यही होता है कि आपका है जो PC में ADB प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको ज़रूरत है ADB वाले फोल्डर के अंदर जाने की, जो कि आपका प्लेटफॉर्म टूल है जो इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो मेरा प्लेटफॉर्म टूल किधर है मैं उसे फाइंड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये रहा प्लेटफॉर्म टूल, मैं इसे क्या करूँगा अनजिप कर लेता हूँ, यहाँ पे अनजिप हो गया। उसके बाद 1-2 MB का ही रहता है, ज़्यादा MB नहीं रहता। यहाँ पे ये फाइलें हैं, इसके अंदर मैं इसे मूव कर लूँगा जो कि मैंने कॉपी किया था, ये रहा। अब मैं इसे एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर दूंगा, आप नॉर्मली भी रन कर सकते हो। जैसे ही रन करोगे कुछ इस तरीके से विंडो लिखा हुआ आ जाएगा, ADB सर्वर इज रनिंग। अब आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट कर लेना है और आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑन रखता हूँ और PC से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा एक पॉपअप लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पॉपअप आते ही आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि आ रहा है रिफ्रेश लिस्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टूल के ऊपर, तो आपको एंटर पे क्लिक कर देना है, आपका रिफ्रेश हो जाएगा और डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा फ़ोन है, नाम क्या है। तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है Redmi 7A, आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पे डिटेक्ट कर देगा, उसका कोड नेम भी आपको शो करेगा। अब यहाँ पे फिर से एंटर पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका जो डिवाइस है वो चाइना वाला है या फिर चाइना के अलावा बाकी अदर कंट्री का है। तो अगर आपका चाइना वाला है तो आपको यस यानी वाई टाइप करना है, अगर नहीं तो आपको एन टाइप करना है। तो अभी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डल रहा है वो चाइना वाला मेरा डल रहा है, आप अपने हिसाब से यस या नो क्लिक कर देना, उसके बाद इंटर पे क्लिक कर देना। ये ऑटो आपके फ़ोन के अंदर का जो डेवलपर सेटिंग आपने ऑन किया था ना उसे ये री ओपन करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओपन मी अनलॉक स्टेटस एंड अटेम्प्ट टू बाइंड, ये बोल रहा है कि बाइंड करो। तो यहाँ पे ओपन करके दे दिया है, ये वाला ऑप्शन है, इस पे आ जाना है। और हाँ, ध्यान रखना है कि आपको आपके फ़ोन के अंदर का वाईफाई ऑफ कर देना है, सिम जो डला हुआ है उसके अंदर इंटरनेट एक्टिवेट होना चाहिए और मी अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो रखी है, मैंने नेट ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, मोबाइल डेटा यहाँ पे ऑन है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे ये प्रिपेयरिंग चलेगा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे लिखेगा कुछ इस तरीके से और देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड भी हो चुका है। यहाँ पे एक दो प्रोसेस और भी लिखा हुआ आएगा कि आपके सेटिंग को डाउनग्रेड कर रहा है, एरर आ गया तो फिर से रीट्राई करवाएगा और फिर लिख देगा सक्सेसफुली बैंड वगैरह, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ यहाँ पे आता है, जो कि मेरे इस केस में ये लिखा नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दिया है इस तरीके से कोड वगैरह दिया है, एरर दे दिया है और
डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि आपको दोबारा इसे ट्राई करना है या नहीं कुछ इस तरीके से। तो मैं अगर एन क्लिक करके इंटर कर देता हूँ तो ये यहाँ पे इसे क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे एक दो प्रोसेस जो कि स्किप हो गए हैं मेरे डिवाइस के अनुसार, क्योंकि मेरा डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन आपके साथ वो देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप कंप्लीट कर लेना जो कि ईजी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये टूल यूज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पे पॉपअप भी आपने देखा कि आ चुका है जो कि सक्सेसफुल का था। अब सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना है और टूल पे आकर चेक करना है कि आपका टूल पे क्या शो कर रहा है, कुछ टाइम पीरियड मिला है या फिर डायरेक्ट अनलॉक हो रहा है। मोस्टली टाइम मिलता ही मिलता है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चीज़ करोगे आपका सेम अकाउंट आपके टूल पे लॉगिन होना चाहिए और लॉगिन के टाइम पे एक OTP भी आता है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले टूल को डाउनलोड करूंगा जिसके लिए सर्च करना होगा मी अनलॉक टूल, ये पेज आ जाएगा फर्स्ट ऑफिशियल वाला, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का साइन, इस पर क्लिक कर दो, आपका लेटेस्ट टूल डाउनलोड हो जाएगा आपके PC के अंदर। डाउनलोड होते ही आपको इसे अनजिप कर लेना है। अनजिप करके यहाँ पे आपको फोल्डर के अंदर दिखाई देगा मी फ्लैश अनलॉक, इस पर डबल क्लिक करो, आपका यहाँ पे टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर लेटेस्ट वर्जन शो करता है तो लेटेस्ट भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सम टाइम ऐसे दिक्कतें आती है कि नया डाउनलोड करो और उसके अंदर फिर से अपडेट शो कर देता है। अगर ये पेज एरर आता है तो आप इसे इग्नोर मार सकते हो, या फिर लेटेस्ट डाउनलोड होता है तो डाउनलोड कर लेना। अब एग्री पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको जो सेम अकाउंट आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन वही लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई लॉगिन हो चुका है टूल के ऊपर, और साथ ही साथ जो सेम अकाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे सेटिंग के अंदर एक आपको ड्राइवर का ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके ड्राइवर को अपडेट कर लेना, क्योंकि सम टाइम ड्राइवर आपका अपडेट नहीं रहेगा तो आपका फ़ोन डिटेक्ट ही नहीं करेगा इस टूल के ऊपर। और यहाँ पे कोई लेटेस्ट अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए शो कर रहा है तो आप उसे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अनलॉक का जो ऑप्शन है वो मेरा शो नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन अभी स्टिल ऑन है। मैं अपने फ़ोन को फास्टफूड मोड में ऑन करूँगा। डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है इसलिए इसका जो फास्टफूड लोगो है वो आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बट आपका कोई नया डिवाइस है जैसे कि MIUI 14 पे रन कर रहा हो या HyperOS 1 पे रन कर रहा हो या फिर 2 पे रन कर रहा हो, तो उसका जो फास्टफूड लोगो आता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूज मत होना, बस फास्टफूड लोगो आना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोन डिटेक्ट हो चुका है, बोल रहा है कि आपका डेटा इरेज हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है ना बूट अनलॉकिंग वाला टूल वाला, ये आप अपने फोन से भी कर सकते हो क्योंकि फोन के लिए भी ये टूल अवेलेबल है, मैंने वीडियो दे रखा है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। अब सिंपल हम अनलॉक के ऊपर टैप कर देंगे, यहाँ से अनलॉक एनीवे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका परसेंटेज चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो हैंड टू हैंड ट्राई किया है तो आपको टाइमिंग मिल सकता है 15 दिन का, 20 दिन का या 3 दिन का, इस तरीके से। अदरवाइज आपने जो वेट कर लिया है लंबा तो आपका फ़ोन क्यों अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे 360 आवर्स का यहाँ पे टाइम मिला है बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। तो अगर मैं इस टाइम को कन्वर्ट करूँ दिन के हिसाब से कितना दिन लगने वाला है, तो 360 / 24, तो यहाँ पे 15 दिन का मुझे टाइम मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट बहुत सारे लोगों को कम मिलता है। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कैसे आपको जो यूज करना है टूल को और किस तरीके से आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। और ये तो ईजी प्रोसेस है, इसके बाद का सारा चीज़ आपको पता ही है। नेक्स्ट टाइम जैसे मेरा 15 डेज कंप्लीट होगा मैं ट्राई करूंगा और मेरा फोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा इजी वे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने से रिलेटेड। बट आपका ये जो टूल मैंने दिखाया काम नहीं करता तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैंने मेथड सी बता रखा है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड और हाईली सक्सेस रेट प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे लोगों को बूट लोडर अनलॉक करने से रिलेटेड। तो उसे चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।